इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि नियम से विधि विधेयक बना के सदन के भीतर नियम बना के सदन के भीतर आवाज को बुलंद करके झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवा के नीति नियम बना के काम करें, और जब ना हो तो ये उलगुलान के प्रदेश से पीछे मत हटिएगा। ये उलगुलान आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये उलगुलान आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। वे बच्चे जो आज आपकी गोद में यहाँ तक चल के आए हैं, वे बच्चे जो पांचवी छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ तो लेंगे, वो 90% अंक लेकर पास भी हो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में। कहाँ जाएंगे? सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में। कहाँ जाएंगे? केरल की मछली फैक्ट्री में। कहाँ जाएंगे? हैदराबाद की किसी कंपनी में। कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के किसी टावर में, दुबई कुवैत के बड़ी बड़ी जो टावर है वहां पर जाके काम करेंगे वो 90% लाने वाले आपके बच्चे। आप बताइए ना, जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, और जब हमारे घर से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर स्कूल में टॉप करती है, कितना गर्व होता है। हम लोग फेसबुक में लगाते हैं स्टोरी, हम लोग व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बोलिए, 5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ होते हैं? जिस दिन वो पास करके आते हैं पूरा झारखंड उन्हें जानता है कि फलाना स्कूल में टॉप करने वाला लड़का 85% लेके आया है, 425 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, 475 नंबर लेके आया है, पूरे स्कूल में नाम रोशन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया है, पूरे प्रखंड में नाम रोशन किया है, पूरे गांव में नाम रोशन किया है, लेकिन वही बच्चा, वही भाई, वही बहन 5 साल बाद बताइएगा कहाँ होता है? वही टॉप करने वाला बच्चा मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन पेपर को धुआं धुआं करने वाला बच्चा 5 साल बाद कहाँ होता है? क्या आपके पास हिसाब है? क्या आपके पास हिसाब है? 5 साल बाद आपने स्टोरी लगाया उसका? आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जितना स्टोरी लगाया, क्या 5 साल बाद उसका स्टोरी आप लगा पाए? नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर बहन है वो शादी होके पता नहीं गुमनाम हो गई, वो बहन शादी करके बेरोजगारी का दंश झेल के गुमनाम हो गई, और वो भाई मछली के फैक्ट्री में जाके गुमनाम हो गया। ये देश, ये प्रदेश नहीं मेरा, ये राज्य नहीं मेरा, इस राज्य की कल्पना ब्यूरो ने नहीं की थी, इस राज्य के लिए निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी, इस राज्य के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां नहीं की थी, इस राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो ने, शेख भिखारी ने संघर्ष नहीं किया। अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा, अगर मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं तो टोकिएगा। इतना समय लेके आपको कादो कीचड़ में खड़ा करके मुझे गलत कहने का अधिकार नहीं है, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। इसलिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, चासा घर का बेटा हूँ, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे, हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है, बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौ सीखी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में IAS की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस। क्यों, क्यों सवाल उठता है, क्यों?
ना झारखंड ही है जो चारागाह है जहाँ की सीटों को, जहाँ की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहाँ बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं, वहाँ उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए लुटते रहिए लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है, इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गाँव से करती है उसकी जानकारी लीजिए, वो सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए तो टिफिन भर के देती है। उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए, इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं, एक सवाल आता है। झारखंड में कोई भी मिनिस्टर हमें लगता है एगो दुगो है, जैसे डॉक्टर लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव पीएचडी होल्डर हैं, और दो तीन वो पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा, 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मेट्रिक है। यानी सिलेबस वो तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस हैं, कितने धनबाद के आईएएस हैं, कितने गुमला के आईएएस है? आईएएस तो है गए झारखंड के, वो क्या करेंगे ना, एक रास्ता छोड़ के जाएंगे जिस रास्ते में लोग चोरी छिपे आ सके। आप सचिवालय चले जाइए, एक गैर झारखंडी ने कहा था, कोई कैलाश यादव जी करके हैं, सही कहा था कि सचिवालय 80% गैर झारखंडियों के कब्जे में है, कहां से आपके लिए बात होगी। इसलिए आज आप इस बात की आपको चिंता कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर भीतर की बात करते हैं, देखिए हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई गैर झारखंडियों द्वारा जो जबरन कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं बार बार मैंने कहा है, खुला कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो लोग गैर झारखंड से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से हो, मैंने उनको स्पष्ट कहा है, क्या यदि कोई जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 510 एकड़ जमीन हमारा लिया, कांके के पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर हॉस्पिटल में जमीन हमारा गया, ग्रीन पास में जमीन हमारा गया, इसी प्रकार यदि यूपी बिहार और एमपी वालों का जमीन कोई कंपनी ले और उन्हें लात मार के भगा दे, और तमिलनाडु वालों को, कर्नाटक वालों को अगर नौकरी में लेकर आए, तो बिहार यूपी एमपी वालों बताइए आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा, एक लाइन में उत्तर दे। दलाली यही का लोग नहीं, आज जो खासकर देखते हैं यूपी बिहार के भाई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपकी बाप की जमीन कोई, क्योंकि आप लोग एकड़ नहीं किए, ये बोलते हैं ना बीघा 12 बीघा में पुदीना बा, तो बताइए कोई आपकी 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है उसका मुआवजा भी नहीं देगी, उसके बदले नौकरी भी नहीं देगी, बताइए आपको कैसा लगा।
मैं ये संदेश विशेषकर यूपी बिहार के लोग हमेशा देखते हैं, दो चार बार से मुंह खुला के रहते हैं, मैं उनको कहूंगा, साफ कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि यदि आपकी बपोतरी जमीन, जैसे हमारी जमीन आज लूट ली जा रही है ऋण पास के नाम में, उद्योग के नाम में, यूनिवर्सिटी के नाम में, कंपनी फैक्ट्री के नाम में, यदि आपके बाप की जमीन 10 बीघा 12 बीघा लूट ली जाती और बदले में आपको नौकरी भी नहीं, आपको पैसा भी नहीं और बाहर के लोगों को लाके नौकरी देती, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? आप दिल में हाथ रखिए और बोलिए कि हमको स्वीकार है, हम लोग भी स्वीकार करें। अरे ये तो गनीमत है, ये झारखंड में है, ये यूपी बिहार में होता तो हमको लगता है 100% वही लोग रखते। देखिए मेरे भाइयों, जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, विषय को समझिए, हमारी लड़ाई किन से है, किस विचारधारा से है, सिस्टमेटिक कहाँ हमारी लड़ाई है, समझिए। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, आप किस जमीन पे रहते हैं, जहाँ घर बनाए हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो जमीन हमारी, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो जमीन हमारी, आपका जहाँ दुकान है वो जमीन हमारी, कब आपसे हमारी लड़ाई है भाई? हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। विषय को समझिए, क्या आप लोग बताइए गलत है नहीं? बताइए, जो लोग हमसे मुंह खुला लेते हैं कि नहीं ये लड़का बारी बिक्री करता है, तो उनसे पूछिए कि आपका बाबूजी का जमीन कोई ले लेगा, गांव का गांव ले लेगा? आज एचईसी में कितना गांव गया होगा बताइए तो? क्या एचईसी हमने आपको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था? हमने हाईकोर्ट बनाने के लिए भी नहीं दिया था, साफ बात है। हमने कोई, हमने सिर्फ दिया था आपको एचईसी का मतलब क्या होता है? हैप्पी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, यानी हमने जिस काम के लिए दिया था वो काम कीजिए, बाकी जो काम करना है, बहुत सारा जमीन पड़ा है, सरकार जमीन खरीदिए, मुआवजा दीजिए और कीजिए। क्यों दिया था एचईसी बताइए? एक दो नहीं, हमको लगता है एक दर्जन गांव स्थापित हुए होंगे। मंत्री का आवास बन रहा है 6-6 करोड़ में, धुरवा डैम, गेतल सुट का डैम, पतरातू का डैम, कांके का डैम, अरे एक एक डैम बनने में 10 गांव मेरा स्थापित हुआ है। और आज अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये बाहरी भित्री कहां से आ गया भाई? नहीं बताइए, पटना में कितना लोग हम लोग का जबरन जमीन कब्जा करके घर बनाया? कोई नहीं। पटना में कितना लोग गोली मार के जमीन लिया है? एक भी नहीं। भुवनेश्वर में कितना लोग मारपीट के जमीन लिया है? एक भी नहीं। कोई हैये नहीं होगा लिया है। रांची में 4000 मर्डर हुआ है जमीन विवाद में, आप कहते हैं मारी भित्री की लड़ाई है? रांची में 4000 लोगों का मर्डर हुआ है जमीन विवाद में, मरने वाले झारखंडी, मरने वाले झारखंडी, केस लंबित है। देखो सीआर की कुछ कोर्ट भी बना था, रघुवर दास के टाइम में स्पेशल उन मामलों को देखने के लिए कोर्ट बना था। 4000 मर्डर हुआ है, पता नहीं संख्या कहाँ बढ़ेगा। मैं बताइए, जो लोग बाहरी भित्री की बात करते हैं, हमको उत्तर दीजिए ना भाई, कि पटना में हमने कई इंच जमीन कब्जा किया, कलकत्ता में हमने कई जमीन कब्जा किया है, आप गोली मार के जमीन ले रहे बाहर के माफिया। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, उन माफियाओं से है, उन दबंगों से है, उन उचक्कों से है और चोर डीसी छवि रंजन जैसे लोगों से है, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार। जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार है, लेकिन वो डीसी ही रहे और चोर डीसी छवि रंजन रहे तो हम बोलेंगे, तड़प के बोलेंगे, गरज के बोलेंगे। आपको तकलीफ होता है हमारी भाषा से तो हो? अरे भाई, हमने किसी सभ्य व्यक्ति से झगड़ा किया है क्या, या फिर हमने किसी सभ्य लोगों से तू तड़ाक बात किया है क्या? अब जो लूटेंगे भैया, जो जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में ना बात करेंगे। हम लोग श्रीमान ही जानते हैं, मान्यवीर भी समझते हैं, महाशय महोदय मानगर भी समझते हैं, श्रद्ध है कम श्रद्ध है सब समझते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे किस मूड से परिचित होना चाहते हैं। बताइए, डीसी जिसकी जिम्मेवारी थी
आदिवासियों की संपत्ति की सुरक्षा करना, सीएनटी की जमीनों की सुरक्षा करना, जिसकी जिम्मेवारी थी उस जिले का विकास करना, अगर वो इस प्रकार के धड़ल्ले से जमीन लुटाएगा तो क्या बोले उसको भाई, क्या बोले बताइए आप? चोर ना बोले तो क्या बोले बताइए आप? आप ही बताइए, कोई बढ़िया शब्द तो बोलिए बताइए, हम कहां उम्मीद करें? इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ है जो झारखंड को लगातार लूट रही है, हमारी नौकरियों को लूट रहे हैं, हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, हमारे नदी नालों को भी लूट रहे हैं, उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई। आज आप देखिए पारा टीचर के लोग धरना पर बैठे हैं, बताइए पारा टीचर झारखंड की शिक्षा के रीड वही है कि आया? आज झारखंड में शिक्षा के रीड कौन है? पारा टीचर, क्योंकि हर एक सरकारी स्कूल का चक्कर काटिए, शिक्षकों की भारी कमी है। अगर मोर्चा किसी ने संभाला है तो पारा टीचर ने संभाला है। आज इस राज्य में प्रोफेसर की बात कीजिए, गैर झारखंडी 95% गैर झारखंडी सैलरी 1.5 लाख 2.5 लाख, पीजी की शिक्षक की बात कीजिए ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी, प्राइमरी टीचर की बात कीजिए ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी। अरे पारा टीचर में झारखंडी लोग है, कम से कम उसको तो समस्या का समाधान कर दीजिए। और हम स्पष्ट कहेंगे अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो पारा शिक्षकों को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनका अधिकार बनता है। 24 साल झारखंड की शिक्षा की रीड बने हैं, आज हमारे पास लगभग 10 के आसपास विश्वविद्यालय हैं, रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, आप तमाम विश्वविद्यालय के चक्कर काट के आइए, वहाँ प्रोफेसर होते हैं पीएचडी करने वाले, 95% गैर झारखंडी है जिनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास है। अरे जहाँ 1.5 लाख मिल रहा है वहाँ नहीं, कम से कम बड़ा लोग को 25, 30, 40, 50 जो भी है उनके समस्या का समाधान यहाँ तो कीजिए, जहाँ झारखंड के लोग हैं वहाँ समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? ना सिस्टम कोई हाईजैक कर लिया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मनरेगा कर में धरने पर बैठे हैं, सहिया कर में धरने पर बैठे हैं, झारखंड के जो पारा स्वास्थ्य कर्मी है धरने पर बैठे हैं, जल सहिया धरने पर बैठी है, आंगनबाड़ी की सहिया सहिया धरने पर बैठी है, तो मौत कौन मना रहा है इस राज्य में? सहायक पुलिस कर्मी भी, सहायक पुलिस कर्मी धरने पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के सामने धरना पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास धरने पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरने पर बैठा है। तो सवाल ये है कि सब लोग धरने में बैठे हैं तो इस राज्य की खनिज संपदाओं को लूट लूट के मौज कौन कर रहा है? बताइए, ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। कमी कहां रही? सिस्टम में कमी रही, नेताओं के नेतृत्व में, क्योंकि हमने जिन्हें लीडर चुना वे लीडर ना होके क्या है? डीलर है, डीलर, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर डीलर्स एंड दे आर डीलिंग आवर राइट्स। आज ये दुर्भाग्य का विषय, हमने लीडर चुना था, लीडर धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है, धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था, लेकिन दुर्भाग्य ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खरीदों का डील करते हैं, ये हमारे कोयले का डील करते हैं, ये हमारे मायका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं गैर राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं लीडर की आवश्यकता है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए? नहीं, ये तो हम लोग भाई बने नहीं है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए? ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूँ, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी,
शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते क्योंकि उस समय गुरु जी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बड़ी है, अच्छे शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरूडी मामला था गुरु जी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते? सुनील महतो। चर्चा ये भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते। नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था। हम लोग को शरीर को हमको और रिजवान दा को को हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो है वो बंदा। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया माने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ ला के मिलाएंगे ना, तब उनकी आंख की बराबरी करेगी, इतना बड़ा आंख। हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौकदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो बैंक में एक नंबर कर लेते, वो सब था। आज भी आज वहां के लोग बताते हैं, वहां कोई फुटबॉल टूर्नामेंट पहले से प्लानिंग नहीं था, होली का दिन था, कोई अंगरक्षक भी नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, पूरा प्लानिंग था कि सुनील महतो को बुलाया जाए। सुनील दा जनता के थे, जैसे हम लोग कादा टीचर में आपके बीच आ गए। सुनील दा जनता के थे, बोला चलो, जबकि उनके साथी ने रोका था कि रुकिए, जब तक हम नहीं आए को निकलना नहीं है। उन्होंने कहा क्या होगा, होली है, होली मनाएंगे साथ में, फुटबॉल का खेल है, पिता का क्या आते। सुनील महतो को रोका गया कि अब रुकिए, आप समझ नहीं रहे। बोला कुछ नहीं होगा, आधा घंटा में आ जाएंगे। वो सच जाता है फुटबॉल के मैदान में, पहले चार की पांच गोलियां दागी जाती है, वो शख्स जमीन पे गिर जाता है। मारने वालों को लगता है कि सुनील महतो मर चुका है, खून का नदी के खून नदी की तरह बहने लगता है, वो मारने वाले जाने लगते हैं। लेकिन वो तो कोई बिकने वाला झुकने वाला इंसान थोड़ी था, वो राड़ माटी का बेटा था। खड़ा होके बोलता है, भैया हम तो जिंदा है अभी। अगर सुनील महतो नहीं उठते चार पांच गोली खाने के बाद, तो एमपी के रूप में भी जिंदा होते, कोयला मंत्री भी बनते और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। लेकिन था तो इंसान बिड़ला, खड़ा हुआ, फिर गोलियां दागी गई और एक एक करके 12 गोली दागी गई थी। और याद रखिए, एक भी गोली पीठ में नहीं, सब कलेजे में दागी गई थी। आज भी झारखंड की मिट्टी को ऐसे लीडर की आवश्यकता है। ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो अपने बाद अपने बेटे के लिए टिकट मांगे, जो अपने बाद अपने पुतों के लिए टिकट मांगे, जो अपने गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मांगे। ऐसे लीडर नहीं चाहिए। वीडियो क्या है, सबको मालूम है। सुबह उनका सहाय उनकी बेटी न राजनीति का बखौ जानती है, जनता नहीं चाहती है, टिकट चाहिए। हमारे रांची के पूर्व सांसद चाल जी, उनको भी बेटे के लिए टिकट चाहिए। संजय सेठ हरियाणा के व्यापारी को झारखंड से टिकट चाहिए। समरी लाल दीदी ठीक बोली कि मदन लाल के बाद, भजन लाल के बाद शर्मा वर्मा उराव मुंडा महतो कुछ ना कुछ होता है, ये लाल जी तो पूरा खफला करके बैठे। राजस्थान का आदमी को टिकट चाहिए। आप ईमानदारी से बोलिए, कौन सा लीडर है जो अपने परिवार के बाहर झारखंड की चिंता करता है? आज सबको चिंता है कि मेरा बेटा कैसे सेट हो, मेरी बेटी कैसे सेट हो, मेरी पुतोह कैसे सेट हो, मेरी अर्धांगनी कैसे सेट हो, मेरी एक्स कैसे सेट हो। आप इनको इस विषय की चिंता है, मजाक नहीं है। सबसे ज्यादा तो जितने मंत्रालय में बैठे हैं उनके बारे में चर्चा है कि ज्यादा एक्स लोग की चिंता है। तो आज ये इस बात की चिंता करते हैं, आज वो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसीलिए आप जाके देखिए, स्कूल किसका? विधायक जी का। मॉल किसका? सांसद जी का। कॉलेज किसका? मंत्री जी का। अस्पताल किसका? सिंगल मैडम का। और हमरा क्या, बाबा जी का, हमरा क्या, दादा
कच्चा बादाम चिनिया बादाम ये बताइए आप ईमानदारी से जितना इनवा आज जितना भी मॉल अपार्टमेंट न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार तमाम सेठ से लेके तमाम उद्योगपति तक चले जाइए उनका पार्टनरशिप किससे फलाना विधायक से फलाना सांसद से फलाना मंत्री से। इसलिए आज झारखंड को ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के आने वाले भविष्य की चिंता करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जेल से बाहर आए हैं तकलीफ में रह के आए हैं तो जिस प्रकार वो काल कोठरी में रह के आए हैं वो समझेंगे कि छात्र भी काल कोठरी में रहते हैं। वो काल कोठरी एक भाड़े का घर होता है, वो काल कोठरी एक लॉज होता है। रांची के खिराया लाल में और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में हाउसिंग कॉलोनी में और हजारीबाग के कोर्रा और कोलंबस के चौक में कि मुख्यमंत्री जैसे एक जेल से रह के आए हैं जब बाहर आएंगे तो झारखंड के जो युवा हैं, जो बहन हैं, जो भाई हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 5 साल भाड़ा का घर लेके रांची में है, जो गैस का चूल्हा लेके रांची में है, जो घर से चावल लेके रांची में है, जो माँ से पिताजी से महीना में 100 रुपया 200 रुपया लेके रांची में है, हमने सोचा कि काल कोठरी में रह के आए हैं छात्र जो काल कोठरी में रहते हैं उनके दर्द को समझेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे 5 साल का हिसाब कौन देगा, तो हमने 5 महीने का, तो हम लोग भी पूछ रहे हैं छात्रों के 5 साल का हिसाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री अगर अपने छात्रों के 5 महीने का हिसाब देंगे तो सही कहते हैं, 5 साल का अगर हिसाब देते हैं तो आपके घर में अगर हम लोग को बागवानी करना पड़े हिसाब देने के लिए तो तैयार है, आइए आप छात्रों का हिसाब। यानी उन्होंने भी बता दिया कि हमें अपने उन 5 महीनों की चिंता है। राज्य के मुखिया ने क्या बताया कि अगर मुझे चिंता भी है तो उन 5 महीनों की है जो मैंने काल कोठरी में बिताए हैं। अरे हम लोगों ने एक जवानी दे दिया है यहाँ के छात्रों ने, उस जवानी में एक कहानी दे दिया है। किसी ने बाल सफेद करवा लिए तो किसी ने आंख में चश्मा चढ़ा लिया तो किसी का तोंद बाहर आ गया। गलत बोल रहे हैं क्या? अरे उन नौजवानों ने जवानी दे दी, उस जवानी के संग एक कहानी दे दी, उनकी चिंता कौन करेगा माननीय मुख्यमंत्री साहब? 4 साल का कुर्सी का चिंता था उसका। आज चुकी प्रभारी भी आए हैं हेमंत बिस्वा जी, तो आपसे कहेंगे आप झारखंड के लोगों को बुका बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, बिस्वा जी को, मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनेगा बोलेगा खाएगा थोड़ा उनका अपनी भाषा बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, तो मेरी बात उनको सुनाइएगा कि क्या झारखंड के लोगों को खासकर बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं? आप इन्हें नेतृत्व क्यों नहीं दिए? संजय सेठ, मैं संजय सेठ का खिलाफत नहीं हूं, मुझे उस इंसान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके संसद बनने से मंत्री बनने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि गोली सुनील महतो ने खाया है, गोली बिरसा मुंडा और फांसी पे लटके हैं तिलका मांझी। अगर संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आप किसको नेतृत्व दे रहे हैं? हरियाणा के व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? जयंत सिन्हा को, व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर से आए बीडी राम को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर के राज चिन्ह को आप नेतृत्व किसे दे रहे हैं? पता कीजिए। नवादा के प्रेमजी नारायण को क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी में नेतृत्व नहीं है? माननीय बिस्वा जी से मैं कहूंगा क्या आप इनको बेवकूफ बना के या इसी प्रकार आदिवासी को ठगने के लिए आप लोगों की पार्टी है? अरे आप क्या बात करते हैं, हमें नेतृत्व नहीं है। आज पूरा भारत एक गोल्ड मेडल के लिए तरस गया, दुनिया ने छी थू किया कि 1.25 अरब से ऊपर की आबादी एक गोल्ड मेडल नहीं। आप नेतृत्व की बात की है इसलिए मैं गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ। पूरे दुनिया ने छी थू किया कि आपके पास एक गोल्ड मेडल नहीं। याद रखिएगा, भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले का नाम जयपाल सिंह मुंडा। अरे हमारे पास नेतृत्व नहीं है तो कहीं नहीं है।
आपने जानबूझ के हमें मौका नहीं दिया। एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ आपके। शहर में रहने वालों को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच रहने वालों को, क्योंकि आप झारखंड के लोगों को गंवार समझते हैं, एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ भैया। याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ओलंपिक में किसी ने दिया है तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सन 1928 में हॉकी के मैदान में मिला। हमें नेतृत्व नहीं है, और याद दिलाए क्या बीजेपी वालों की हमें नेतृत्व नहीं है। 1757 मालूम है, बैटल ऑफ पलासी बंगाल, अंग्रेजों ने दम भर के पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1766, इस बार बिहार, अंग्रेजों ने पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। और 5 साल बाद आया झारखंड, चुहाड़ आंदोलन अंग्रेजों खदेड़ के बाहर कर दिया। जब बात करते हैं हमें नेतृत्व नहीं है, हमें शौर्य नहीं है, हमें पराक्रम नहीं है, अरे आपने हमारे पराक्रम को भ्रष्ट करने का काम किया, जानबूझ के किया। आपने हमारे पराक्रम को भ्रष्ट करने का काम किया है, आपने हमारे शौर्य को सुस्त करने का काम किया है। नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी नजर हमारे खनिजों पर है, और आप जानते हैं अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपको मालूम है कि अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा, इसलिए आपने कि कोई फिर जयपाल सिंह मुंडा ना बन जाए, आपने नेतृत्व करने ही नहीं दिया। आपने नेतृत्व किसे दिया? संजय सिंह, जिसका ना बाप का ना दादा का पसीना टपका है। संजय सेठ, जिसका बाबूजी का एक हिस्सा जमीन कोई कंपनी फैक्ट्री में न नगरी के हत्याकांड में गया है, नगरी में तो गोली मारती है आप जमीन लेने के बदले। जिसका जमीन आईटीबीपी में नहीं गया है, आपने आईटीबीपी बना दिया, बड़ा ही अच्छी बात है, लेकिन जमीन का पैसा कौन देगा? उसको आपने सांसद बनाया, मंत्री बना दिया। अरे साफ शब्दों में कहिए कि आज आप लोग केवल अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन वाले बाहर के राज्य को लोगों को लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, और यूपीए गठबंधन वाले बाहर के देश बांग्लादेश से लाके अपना वोटर बना रहे हैं, जो कि इस राज्य की अस्मिता के लिए गंभीर सवाल है। दोनों की नीति गलत है। गैर राज्य से भी वोटर मत लाइए, और गैर देश से भी यहाँ वोटर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी राज के रूप में इस राज्य का निर्माण हुआ है। अगर आप गैर राज्य से, गैर देश से अगर वोटर और लोग लेकर आएंगे, तो यहाँ के लोगों की जो पहचान है, अस्मिता है, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। आज उसका गवाह तमाम उद्योग का क्षेत्र, चाहे बोकारो, रांची, जमशेदपुर है, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र संथाल परगना है, उसका गवाह बन रहा। इसलिए आप वोटर लाने की क्या जरूरत है बाहर से? यहाँ जो वोटर है उनके लिए काम कीजिए, और यहाँ के वोटर से अपनी सरकार बनाइए, यहाँ के वोटर के बीच अपने लीडर बनाइए। क्या गलत कह रहे हैं? लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, ये जानबूझ के लीडरशिप देना नहीं चाहते हैं। चलिए अब तो ये भला है कि अब आपकी नजर लोकल नेताओं पे जा रही है, और उसके बैकग्राउंड में पारसनाथ के टाइगर की दहाड़ खड़ी है। चाहे जेडीयू से धीरो महतो जी का सांसद बनना, बीजेपी से ढोलू महतो जी का सांसद बनना, या कांग्रेस से ऐसा महतो कमलेश जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, वो सारे बैकग्राउंड के पीछे पारसनाथ के टाइगर की आवाज खड़ी है। याद उन सारे घटनाक्रम के पीछे, उन सारे बदलाव के पीछे, तो सोच लीजिए, एक लड़का पहाड़ से निकला है, इतना दहाड़ हुआ है, अगर हर घर से निकलेगा तो राज्य में क्या बदलाव होगा, सोच लीजिए। ये हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप परिस्थिति को जान लीजिए। ढोलो महतो जो गिरिडीह लोकसभा से थे, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हो ही नहीं सकते थे, 70 साल में आज तक धनबाद का लोकल प्रत्याशी बना ही नहीं था। रीजन, आंदोलन की शुरुआत धनबाद से हुई थी लोकल। हीरू महतो जी राजनीति के अंतिम करियर में थे, राज्यसभा का सांसद बना दिए जाते हैं,
आदरणीय केशव कमलेश महतो जी भी कई वर्षों की राजनीति के अंतिम सिरे पे जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के से नवाजा जाता है। तो ये सोच लीजिए केवल ये जो दो सालों में घटनाक्रम हुआ लोकलिटी दिखा रहा है। तो इसलिए जितने जनता जनार्दन आए हैं आपको ये हमारा संदेश स्पष्ट होगा और साथ ही सरकार को एक भी संदेश देंगे कि देखिए आप वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना करें, कभी मैया सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे दो भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उस बात सिपाही का जो दौड़ लेकर आए हैं, दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए, जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए, ये चुनाव के समय में दोपहर को मत दौड़ाइए। भारत भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है, आप क्या जानिएगा महोदय, अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा, एसी में बैठने वाले लोग आप भी जानते हैं जेठ और चेत महीना का जो गर्मी होता है ना उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है, आपको भी मालूम है भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं कीजिए, लाइट लगाइए शाम को कीजिए या सुबह 4 बजे भोर कीजिए, ये दोपहर में भादर महीने में दौड़ मत लगाइए। आज दो भाइयों ने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कल तीसरा भाई उस रास्ते में ना जाए, इस बात की चेतावनी आपको देना चाहेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा सरकार को कि आप केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए, आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए, ऐसे भी ये जंगली बेटे हैं अंधेरे में भी दौड़ लगा लेंगे, ये जंगली बेटे हैं, ये परसनाथ के बेटे हैं अंधेरे में दौड़ लगा लेंगे। क्या हमारा ये सोच आप बताइए क्या गलत बोल रहे हैं, भादर महीना का उनकी मृत्यु का कारण पता कीजिए, भादर महीना का धूप है, आसान नहीं है भैया, आपको अगर डाउट है तो आप देखो 15-15 मिनट का फुटबॉल का मैच खेलिए दोपहर में, हालत खराब हो जाएगा, 15-15 मिनट का एक फुटबॉल का मैच खेलिए आपका हालत खराब हो जाएगा, ये भादर महीने की गर्मी है, ये भादर महीने की गर्मी है। मुख्यमंत्री महोदय तमाम विधायक सांसद भादर महीने की गर्मी है, आप क्या समझोगे घंटा बुझोगे एसी में रहने वाले पंखा का हवा खाने वाले, इसलिए मैं आग्रह करूंगा उत्पाद सिपाही का अगर दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। मैं दौड़ के खिलाफ नहीं हूं, मैं युवाओं के भविष्य के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जिंदगी को नुकसान होगा मैं उसके खिलाफ हूं, इसलिए समय में बदलाव कीजिए, या तो सुबह या तो शाम का मौसम चुनिए। भादर महीने की गर्मी है इस बात को समझिए, उत्पाद सिपाही का दौड़ समय में बदलाव किया जाए। मीडिया बंद हो मेरे संदेश को पहुंचाइए आला कमान तक हुक्मरान तक, भादर महीने की गर्मी है अगर उत्पाद सिपाही का दौड़ बचाए तो समय में परिवर्तन किया जाए, सुबह या शाम को दौड़ाया जाए या तो देखिए जिस दिन मौसम अच्छा लगे उस दिन दौड़ाया जाए। आप भादर महीने की गर्मी को नहीं जानते हैं ये हुक्मरान लोग, दो भाइयों ने दुनिया को त्यागा है, तो तीसरे भाई के साथ बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आपको चेत जाए ये हमारी चेतावनी है सरकार की। चले आज चुनावी स्टंट है, ठीक है आपको चुनावी स्टंट में भी अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है नौकरी मिल रहा है, हम लोग युवाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं है, टाइमिंग के खिलाफ है, हम लोग टाइमिंग के खिलाफ है, उनकी प्लानिंग के खिलाफ है, बस बस वही चीज है, टाइमिंग और प्लानिंग के खिलाफ है। बाकी उत्पाद सिपाही का दौड़ हो, हमारे भी भाई लोग है, हमको ग्राउंड में मिला 6 बॉलर का, बोला दौड़ निकाल के आए, हम बोले बढ़िया अच्छा शुभकामना है, क्योंकि हमको भी मालूम है हम गांव घर के लड़के दौड़ में ही ज्यादा नौकरी लेंगे, बाकी तो आप बेच रहे हैं कलम वाली नौकरी, गलत वाली नौकरी, एसी कमरे में बैठने वाली नौकरी तो आप बेच रहे हैं पटना वालों को,
हमको मालूम है ये दौड़ने वाली नौकरी झारखंड को मिलेगा। हम उस दौड़ के खिलाफ नहीं है, उस दौड़ की प्लानिंग करने वाले और जो डिजाइनिंग किए हैं और जो टाइमिंग है उसके खिलाफ है। ये भी उत्पाद से बेच दिया विकल है, विकल है। बताओ नाम का दौड़ा रहा है, हो ये नहीं रहा पहले से फिक्स था। अब मतलब ये लोग अरे सुने थे कि दरोगा का नौकरी बेचता था, एग्जाम में कोई मेहनत का नौकरी बेचता था। अब ये लोग उत्पाद सिपाही हवलदार और चपरासी का भी नौकरी बेचेगा तो बताइए झारखंड का बेटा लोग क्या आपको नक्सली बनाना चाहते हैं? नहीं, सरकार कहती है कि हम नक्सली का समाधान चाहते हैं, पर आप अगर इन चपरासी हवलदार की नौकरियों को भी बेचिएगा तो गरीब बच्चे कहाँ से पैसा देंगे? 5 लाख 10 लाख 15 लाख खेत बेच के देंगे, ये बाबूजी का किडनी बेच के देंगे, ये माँ का सोना गहना जो रखिए चोरी करके बेच के देंगे, क्या देंगे आपको? ये 5 लाख 5 लाख से कम तो नहीं लेता होगा, 50,000 में तो सेटिंग नहीं होता, नीचे तो बात ही नहीं होता, 5 लाख से तो कम बात होगा ही नहीं, उसको लेकर भाग जाएगा। ये 5 लाख के गरीब घर का बच्चा कहाँ से लाएगा? उसको लेकर तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए, चाहे एनडीए है चाहे यूपीए है, कोई भी पार्टी, इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए और सदन में उन नेताओं को भेजिए जो आपको आपके भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों की चिंता करे, जो आपके खेत खलिहान आपके फसलों की चिंता करे, जो आपके रोजगार की चिंता करे, जो आपके शिक्षा जो आपके स्वास्थ्य की चिंता करे। मैंने स्वास्थ्य की बात कही, अभी जाके देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जो थे वो देहांत कर गए, वो गैर झारखंडी थे। सुनने में आया अपना भतीजा को वहाँ नौकरी मिला है, उनके नौकरी मिलने पर या फिर देने का प्लानिंग किया जा रहा है, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा था। नहीं बताइए, इसी प्रकार अगर झारखंड को बेचा जाएगा एजेंसियों को देके, अभी सारा काम एजेंसी को जाता है, एजेंसी आपको समझते है ना, थर्ड पार्टी एजेंसी यानी थर्ड पार्टी बीच वाला। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के लोगों के पास कई वो एजेंसी है? एको एजेंसी झारखंड का है, अली यादव एजेंसी कहाँ का है? हैदराबाद का एजेंसी कहाँ है? अलाहाबाद का एजेंसी कहाँ है? बनारस का एजेंसी कहाँ है? पटना का। अरे भाई अगर एजेंसी पटना की रहेगी, एजेंसी अगर कलकत्ता की रहेगी, एजेंसी अगर हैदराबाद गुजरात की रहेगी तो नौकरी आपको मिलेगा। एक बात जान लीजिए, बात सही है, जो बिजनेस जो व्यापार व्यापारी होते हैं, हालांकि सभी व्यापारी ये बात नहीं लीजिए, खाली प्रॉफिट उनको केवल फायदा से खाली प्रॉफिट मुनाफा।